दिस इज हाउ द अनाया कुटिल लुक्स लाइक. We have all the cottage poolside. They all are the duplex cottage. ये वो वाला cottage है जिसमें हम रह रहे हैं. ये बाहर ऐसे sitting arrangement है इसका. एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हर एक cottage के बाहर एक bathroom की arrangement है. यहाँ पे you can take bath if you want, like after pool party if someone want to take bath and then enter inside the cottage, you can do that. और ये रहा hanging balcony और ऊपर वो रहा terrace, वहाँ पे भी आप जा सकते हो. ये entrance है, this is how the entrance is. So जब हम एंटर करते हो तो यहाँ पे एक इमीडिएट लगेज रखने का एक इन्होंने बनाया है रैक जैसा. दिस हाउ द डेकोरेशंस एंड चाबी लाके ले चले. So this is the inside decoration of the room. इन्होंने एक एंटिक टच रखा है हर एक सामान पे. जैसे यहाँ पे वॉल पे जो डेकोरेशन है एक फिश का उन्होंने रखा है. आप देख सकते हो ये फैन को भी इन्होंने ऐसे ही कलर किया है सो दैट इसमें एक एंटिक फीलिंग्स आए. वहाँ पे एक सिटिंग अरेंजमेंट है. टेबल का भी वैसे ही कलर रखा है. यहाँ पे टीवी कैबिनेट है एंड यहाँ पे सोफ़ा कम बेड है. और यहाँ पे एक छोटा सा बाथरूम बना के है सो दैट आउटसाइड से कोई आए तो उसको ऊपर मतलब अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है. ही और शी कैन यूज़ दिस टॉयलेट एज वेल. सो एक अनोखा चीज़ ये भी है यहाँ का कि ये ट्रंक को ओल्ड ट्रंक को इन्होंने एज अ सेंटर टेबल यूज़ किया है. नाउ यहाँ पे एक छोटा सा मॉड्यूलर किचन इन्होंने बनाया है. ही इज द बेसिन एंड हियर इज द टी एंड ऑल अरेंजमेंट. यहाँ पे एक छोटा सा मिनी बार भी है. हियर एक इलेक्ट्रिक केटल एंड ऑल इन्होंने देखे है. अगर आप यहाँ से रूम को देखो कुछ ऐसे दिखाई देता है. ये सेंट्रली एसी सिस्टम है और ये अलग से एक एसी भी देखे है यहाँ पे सो दैट गर्मियों के मौसम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो. और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी वो है दिस थिंग जो हम बाहर से देख रहे थे. वो जो सिटिंग अरेंजमेंट के बाद हम कर रहे थे. यू कैन ओपन फ्रॉम हेयर एंड यू कैन गो डायरेक्टली एंड सिट देयर. सो ये डुप्लेक्स हॉल है. यहाँ से स्टेयर जाता है ऊपर की तरफ. ऊपर बेडरूम है. कैन सी here is the bedroom. अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ये एक्चुअली इस साइड में बाथरूम है. और दिस इज हाउ द बाथरूम इज. इट्स सेंट्रली हॉट और कोल्ड वाटर आता है. इनके लिए अलग सा गीजर कुछ नहीं है. ऊपर का ये ओपन स्काई है. नहीं प्राइवेसी बहुत ही अच्छा है उसके.
के बारे में आपको सोचना नहीं है। और पास में जो छोटा सा डोर है ये है टॉयलेट। और ये कोने में एक बेसिन इन्होंने रखा है फॉर नॉर्मल वॉशिंग, हैंड वॉशिंग एंड शेविंग पर्पस। यहाँ पे एक शेविंग मिरर भी है विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल। यहाँ पे एक स्पॉटलाइट भी इन्होंने देके है। इस साइड में अलमीरा है। अलमीरा में आपको मिलता है एक छोटा सा लॉकर, ये रहा लॉकर। और एक बाथरोब भी ये लोग देते हैं। यहाँ पे पूरा रूम कुछ यहाँ से ऐसे दिखता है। इस साइड मिरर है, एक फुल मिरर देखे है आपको। और इस साइड में आपका अगर आप कुछ भी प्रेस करना चाहते हो या कुछ तो आप यहाँ पे कर सकते हो। काइंड ऑफ ए लगेज रूम ये वाला। एक बेड साइड छोटा सा टेबल आपको मिलता है, रीडिंग लाइट भी मिलता है। और सबसे अच्छी बात है ये वाला हैंगिंग बालकनी जो बाहर से दिखाई दे रहा था। इफ यू ओपन दिस I can directly go to the balcony and enjoy the view which is very very beautiful. You can spend your all time by sitting here and seeing all the views. यहाँ पे terrace है, छत पे आप रात को भी जा सकते हो। यहाँ पे foot lamp की व्यवस्था करके है। अगर आप terrace पे जाते हो तो ये नज़ारा कुछ ऐसे दिखता है। आपको सीधे वहाँ से गैंजेस दिखेगा, गैंजेस बिल्कुल पास ही है। एंड हियर छत पे भी आप बैठ सकते हो। यहाँ पे शायद जकूजी है, मुझे पता नहीं है। अगर समर में आएंगे तो शायद यहाँ पे पानी की व्यवस्था होगा और ये लोग वो प्रोवाइड करेंगे। दिस इज द टेरिस। टेरिस से भी आप ये वाला व्यू एंजॉय कर सकते हो। और दिस इज गैंजेस। सो ये रहा पूरा अनाया कुटीर का एक छोटा सा व्यू गाइस। जितना मुझसे हो सका, जितना मैंने अपने आंखों से एंजॉय किया है, मैंने कोशिश किया कि आपको भी उसका थोड़ा सा नज़ारा दिखाऊं। होपफुली आपको यहाँ पे आने से पहले थोड़ा सा एक क्लियर व्यू हो जाएगा। फॉर द स्मॉल वीकेंड ट्रिप यू कैन ईजिली कम हियर एंड एंजॉय द सीनिक ब्यूटी। ये है गंगा कुटीर का एंट्रेंस। यहाँ पे आपको मिट्टी का बना हुआ हट में रहने का और स्ट्रॉ का ऊपर से उसका बना हुआ है, ऐसे जो मिट्टी के हट में रहने का जो मज़ा है वो यहाँ पे मिलेगा गंगा कुटीर में। अगर आप वो वाला एसेंस लेना चाहते हो कि मिट्टी वाला घर में रहेंगे और ऊपर से स्ट्रॉ का वो शेड होंगे तो आप यहाँ पे रूम ले सकते हो। गंगा कुटीर का और एक जो खासियत है वो है डायरेक्ट आपको गंगा के एकदम किनारे जो रूम्स है वो भी मिल सकता है। तो एकदम जो गंगा है वो आप गंगा के व्यू आप दे सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुत नजदीक हरिनाम चल रहा है, उसी का साउंड आ रहा है। और सामने गंगा का नजारा ये।
ये गंगा कुटीर का व्यू है, यहाँ पे आप रह सकते हो। बहुत ही खूबसूरत जगह। आओ दिस इज द वे फ्रॉम गंगा कुटीर टूवर्स अनाया कुटीर। हम लोग अभी यहाँ गंगा कुटीर से आके अभी जा रहे हैं अनाया कुटीर की तरफ। ये रास्ता जो है बहुत ही साफ़ सुथरा एंड वेरी वेल मेंटेन है। आपको इवनिंग वॉक करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो आसपास जो छोटे छोटे कॉटेज इन्होंने बना के है, ये सब प्राइवेट कॉटेज है। एक चीज़ यहाँ का बहुत अच्छा है, जो इतनी फ्लावर्स इन लोगों ने मेंटेन करके रखा है। ये आपके आपको दिख रहा है एक पर्सनल हाउस है, कॉटेज है, जिसके सामने इन्होंने फूलों की जो कलर का जो दिख रहा है वो ही है एक्चुअली अनाया कुटीर। अनाया कुटीर इज़ फेमस फॉर मसाज एंड ऑल द स्पा ट्रीटमेंट। अगर आप चाहते हो तो वो अवेल कर सकते हो विथ 20% ऑफ डिस्काउंट। कोई भी अनाया कुटीर में गेस्ट रह रहा है तो उनको 20% डिस्काउंट मिलेगा स्पा फैसिलिटी में। पुल है, मुझे भी पता नहीं। चलो ये देखी आशो ऊपर तक जान गेलो ভালো লাগবে। अच्छा मुझे लग रहा है कि इधर कोई स्विमिंग पूल ही होगा। लेट्स सी क्या है। एक छोटे छोटे कॉटेज का जो हम लोगों ने अभी थे सामने से देख रहे थे, उनका बैकयार्ड है जहाँ पे इन लोगों ने देखिए ये पर्सनल कॉटेज है। लोगों ने पेट्स भी रखा है और सब्जियाँ वगैरह सब कुछ। दिस इज हाउ एवरीथिंग लुक्स। जी हाँ, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। यहाँ पे स्विमिंग पूल ही है। स्विमिंग पूल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये बहुत खूबसूरत एक स्विमिंग पूल है जिसका वाटर लेवल एकदम आपको दिख रहा है। दिस इज सो ब्यूटीफुल।